आज हम लोग अपना वीडियो लेके आए हैं स्लोप कैलकुलेशन मेथड के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि स्लोप कैलकुलेशन मेथड से स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लेंथ है 43 मीटर का ये, और इसमें स्लोप दिया है कि 1:200, यानी कि 1:200 का स्लोप है हमारा 43 मीटर में। तो हम क्या करेंगे, एक साइड 1:200 दे देंगे और इजिक्वल्स टू में वी अपन 43, यानी कि ये मेरा वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल, इसमें ये वर्टिकल वन है वर्टिकल और 200 हॉरिजॉन्टल। तो इससे मेरा वी का मान आएगा, जब डिवाइड करेंगे 43 मेरा मीटर में है, उसको हमने mm में चेंज कर दिया क्योंकि ये 200 भी mm में है, तो मेरा आ गया 215 mm। 215 mm का स्लोप मेरा 43 मीटर तक में चाहिए 43 मीटर में। अभी हम 1 मीटर में कितना स्लोप जाएगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 43 मीटर में 215 mm का स्लोप, यानी 1 मीटर में 5 mm का स्लोप, जब 43 mm में 43 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर का चला आएगा कि 1 मीटर में कितना स्लोप रहेगा।